कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म क्लास सिक्स वाले बच्चों के लिए आ गया है। और जैसा कि आप लोगों को जेएनबी पाठशाला ने पहले बोला था कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर, और शायद ये यूट्यूब पर बहुत पहली वीडियो होगी जिससे कि आपको बता दिया जाएगा कि नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर हम देखिए नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर आ जाता है, nowodaya.government.in पे। यहाँ पे आप जैसे ही आइएगा, यहाँ पे आप देखिए तीन यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नवोदय विद्यालय की तरफ से। और जैसा कि जेएनबी पाठशाला आपको हजार बार पहले ही बोल चुका था कि प्यारे बच्चों, आपके शिवम भैया बोल चुके थे कि 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि लगभग पूरा जनवरी टाइम आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, यहाँ पर आप देख लीजिए 31 जनवरी 2023 है। और प्यारे बच्चों, हो सकता है कि शायद इसको बाद में 10-15 दिन बढ़ा भी दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नवोदय विद्यालय में। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो थर्ड वाला लिंक है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपनी तैयारी अच्छी बनाइए, और उसके लिए जेएनबी पाठशाला ने अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, आपको पता ही है। तो जेएनबी पाठशाला का कोर्स परचेज करने के लिए पहले आप ये कोर्स देख लो। इसमें आपको 69 रुपीज में ही इसमें आपको 30 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 7-8 ईयर के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और आप लोग को इसमें OMR शीट भी मिल जाएगा। और ये सभी चीज़ें नवोदय विद्यालय के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। तो इसको आप जरूर से जरूर परचेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहां पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस पे कॉल करके इस बुक को पहले परचेस करो। आप अपनी तैयारी स्ट्रांग करो। एक नवोदयन का वादा है कि अगर आप सही जगह से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक PDF डाउनलोड होगा। वो PDF मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये PDF जो होगा ये आप लोगों की ऐसे मतलब वो वहाँ पे आपके गूगल ड्राइव पे खुलेगा, तो उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी कि नवोदय विद्यालय समिति का इस बार का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2023 से 2024 वाले बच्चों के लिए, उन सभी के लिए ये मतलब सेलेक्शन टेस्ट जो है ये ओपन कर दिया गया है। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के यहाँ पे फीचर्स दिखाए गए हैं कि नवोदय विद्यालय जो होता है को एजुकेशनल रेसिडेंटियल स्कूल होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेटेड हॉस्टल होता है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन, बोर्ड, लॉजिंग, खैर ये सभी तो आप जानते ही हो। साथ ही साथ यहाँ पे वाइल्ड कल्चर एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन, यहाँ पे नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन भी होता है। खैर इसकी बात हम कभी दूसरे वीडियोज में करेंगे। यहाँ पे नवोदय विद्यालय की और भी यहाँ पे साइलेंट फैसिलिटीज के बारे में बताया गया, स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया गया। यहाँ पे नवोदय विद्यालय में बताया गया है कि 2022 में मेंस में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, कितने बच्चे पेपर दिए थे उसमें से, और वैसे ही JEE एडवांस में भी कितने बच्चे हुए थे, नीट में भी। क्योंकि देखिए बात क्या है कि नवोदय विद्यालय से बहुत सारे बच्चे UPSC भी क्लियर करता है, लेकिन UPSC जो होता है ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन होती है। इसीलिए नवोदय विद्यालय में जब कोई जैसे ऐसे कोई क्वालिफाई कर जाता है तो अपने मतलब बताते हैं अपने नवोदय विद्यालय में, तो उनको एज एलुमनाई पता चलता है, तो उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। साथ ही बोर्ड रिजल्ट वगैरह के बारे में बोला गया। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देखिएगा तो लिखा गया है कि कैंडिडेट हुआ बोनेराफ्राइड रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टडी इन द क्लास 5th अकेडमिक ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि ये वही कैंडिडेट भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो 5th क्लास की एकेडमिक सेशन है वो मतलब किसी गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड स्कूल में होना चाहिए। खैर ये सभी चीज़ें जब हम फॉर्म वाले एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे भरना है इस पर जब वीडियो बनाएंगे तो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है स्टडीड फुल सेशन इन ईच क्लास पास। यहाँ पे आपको मतलब क्लास 3 और 4 भी जो होना चाहिए वो भी आप लोगों को मतलब जो पास आउट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल से ही होना चाहिए या गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से ही होना चाहिए। एंड बॉर्न बिटवीन इतना टू इतने। यहाँ पे देखिए एज क्राइटेरिया भी बच्चों के लिए दिया गया है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 तक के बीच में है वही बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नवोदय विद्यालय में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि पहले नवोदय विद्यालय में जो एज क्राइटेरिया थी वो 9 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष था, लेकिन पिछली बार बहुत बड़ा चेंजेस किया गया एज को लेकर के और 10 से लेकर के 12 एज के बीच में इसको मतलब किया गया, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो होना भी चाहिए था।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया कि एटलीस्ट 75%, मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि नवोदय विद्यालय में 75% बच्चे रूरल एरिया से यानी गाँव से सेलेक्ट किए जाते हैं, बाकी 25% जो बच्चे होते हैं वो अर्बन एरिया से सेलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को, और जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। और इसमें लड़कियों को 1/3 सीट जो होता है रिजर्व होता है, यानी 33% लड़कियाँ जो होती हैं वो सेलेक्ट होती हैं। यहाँ पे जो लास्ट डेट है अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो आप लोगों का 30 जनवरी 2023 है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है, जो कि सबसे बड़ा मतलब बड़ी बात है, कि मैंने आप लोगों को एक पिछले वीडियो में डेट भी गेस करके बताया था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा या तो 27, 28, 29 या 30 अप्रैल 2023 को होगा, ये मैंने एग्जैक्ट वर्ड बताए थे आप लोगों को। और यहाँ पे देखो 29/4/2023 को आप लोगों का एग्ज़ाम है, यानी लगभग 4 महीने हैं, पूरे के पूरे 4 महीने हैं आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोगों को कोई भी चिंता नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप जैन भी पाठशाला से जुड़ जाओ, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप अपने शिवम भैया से पूछो, शिवम भैया हमेशा हाजिर हैं आप लोगों के लिए। और शिवम भैया का कोर्स खरीदो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछो। और प्यारे बच्चों अब बहुत रेगुलर वीडियोज आएंगी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और आप अपने रिलेशन वगैरह में भी शेयर करो जिनको भी ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं पे रोकते हैं, तो सब तब तक के लिए आप जैन भी पाठशाला से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय नवोदय।